संग्रहालय के गलियारों से केंद्रीय अभिलेखागार द्वारा निर्मित इस कार्यक्रम के अमरवाणी खंड में सुनिए विश्वास की नींव। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से अमरवाणी। कितने ही काम हम अपने बलबूते कर लेते हैं और कई जो नहीं कर पाते वो राम भरोसे छोड़ देते हैं। राम भरोसे यानी प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए प्रभु कृपा की प्रार्थना। प्रभु कृपा भी वही अनुभव करता है जिसकी प्रभु में श्रद्धा हो। जिसकी प्रभु में आस्था ना हो वो ना तो कृपा के लिए प्रार्थना करता है और ना ही भक्ति की शक्ति महसूस कर पाता है। यही विश्वास की डोर बाकी सभी रिश्तों और मित्रता को भी बांधती है। जहाँ यह डोर कमजोर हुई वहीं अकेलापन और कई डर सताने लगते हैं। अकेलेपन में छोटी समस्या बड़ी दिखती है और अपनों का साथ मिलने पर बड़ी समस्याएं भी छोटी लगने लगती हैं। इस साथ को जोड़ती है विश्वास की डोर। आज के अमरवाणी खंड में सुनिए विश्वास की नींव। प्रणाम सर। सर नमस्कार। नमस्ते वेंकटेश, आओ बैठो पुंडरीक। आज हम नंदीग्राम के सुंदर स्थान पर बैठे हैं। फ्रॉम दिस प्लेस किंग भरत रूल्ड अयोध्या। यस, किंग भरत लिव्ड एज सेंट एंड रूल्ड अयोध्या फ्रॉम हियर। आफ्टर मीटिंग लॉर्ड श्री राम ही डिड नॉट रिटर्न टू अयोध्या। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है, सकामम अनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् नंदीग्रामे करोद्राज्यम् रामागमन कांक्षया। अर्थात भरत जी ने अपनी इच्छा पूरी न होने पर राम चरणों को नमस्कार करके राम के अयोध्या वापस आने की कामना से नंदीग्राम से ही राज्य किया। When भरत was unable to persuade Lord Shri Ram to return to Ayodhya, he started ruling Ayodhya from Nandigram, all the time hoping for return of Lord Shri Ram. अयोध्या के विषय में एक और श्लोक है, अयोध्या दक्षिणे भागे नंदीग्रामे वरानने नंदीग्रामे वस्तु पूर्वे भारतो रघुवंशजः। अयोध्या के दक्षिण भाग में नंदीग्राम स्थित है। प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत ने नंदीग्राम से ही अयोध्या पर शासन किया था। नंदीग्राम इज लोकेटेड अराउंड 22 किलोमीटर्स साउथ ऑफ अयोध्या इन उत्तर प्रदेश। भरत वन ऑफ द ब्रदर्स ऑफ लॉर्ड श्री रामचंद्र रूल्ड अयोध्या फ्रॉम नंदीग्राम ड्यूरिंग लॉर्ड श्री रामास 14 ईयर एग्जाइल इन द फॉरेस्ट। अच्छा अब आप बताइए आपको यह नगर कैसा लगा? सर हमने भरत कुंड देखा और भरत गुफा भी गए, बहुत सुंदर अनुभव था। इट वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू बेद इन द सरोवर। आई सॉ वन साधु डूइंग मेडिटेशन एंड सम अदर साधक वर ऑल्सो मेडिटेटिंग। मेडिटेशन नॉट ओनली ब्रिंग्स पीस टू माइंड, इट ऑल्सो स्प्रेड्स पीस इन द सराउंडिंग्स। दिस पीसफुल एम्बियंस वॉज इन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रास्ट टू द फाइट्स वी सॉ इन आर बस सर। सम फाइट स्टार्टेड इन बस? यस सर, वन लेडी dropped her gold chain somewhere. She started accusing others for stealing it. Her husband also started accusing others. People started misunderstanding each other. Everyone thought that anyone in the bus could be a thief. So in effect, we all looked like potential thieves. People stopped singing songs together. Everyone clutched their belongings and became silent. Distrust takes away the fun in life. It makes enemy from friends. खोई हुई चेन ढूंढने के लिए बस में तो अफरा तफरी मच गई। सबके सामान की चेकिंग भी नहीं हो पाई। कोई कहता पड़ोस वाली सीट पे देखो, तो कोई कहता कि बच्चे ने बाहर फेंक दी होगी। एक जन ने तो बेवजह भिखारी पर इल्जाम लगा दिया। सब गाना गाना भूलकर एक दूसरे पर शक करने लगे। अविश्वास ऐसी सोच है जिसके आने से रिश्ते में दरार आ जाती है। भाई भाई में मनमुटाव हो जाता है, पति पत्नी में मनमुटाव हो जाता है। विश्वास ही रिश्तों की नींव है। अविश्वास को हटाकर संबंधी और दोस्तों में भरोसेमंद बनने से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। इस विषय में आज हम एक मंत्र लिखेंगे, अपनी अपनी कॉपी निकालिए। यह मंत्र सामवेद का 161वां मंत्र है, अभित्वा
अभित्वा वृषभासुते वृषभासुते सुतम सृजामि पीतये सुतम सृजामि पीतये त्रिम्पा त्रिम्पा व्यश्नुहीमदम व्यश्नुहीमदम अभित्वा वृषभासुते अभित्वा वृषभासुते सुतम सृजामि पीतये सुतम सृजामि पीतये त्रिम्पा व्यश्नुहीमदम त्रिम्पा व्यश्नुहीमदम अभित्वा वृषभासुते सुतम सृजामि पीतये त्रिम्पा व्यश्नुहीमदम। इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ कि हे वृषभ, सुख शांति की वर्षा करने वाले परमात्मा सुते इस उपासना यज्ञ में पीतये आपके पीने अर्थात स्वीकार करने के लिए सुतम निष्पादित भक्ति रस को त्वा अभी आपके प्रति सृजामि समर्पित करता हूँ। त्रिम्प आप इससे तृप्त हो जाएं और मदम आनंद को वि अश्नु ही प्राप्त करें, जैसे पिता पुत्र को अपने प्रति श्रद्धालु देखकर प्रमुदित होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे परमेश्वर भूमि पर मेघ जल और उपासकों के हृदय में सुख शांति की वर्षा करते हैं, वैसे ही आचार्य शिष्य के हृदय में विद्या और सदाचार को बरसाते हैं। अतः सबको परमेश्वर की उपासना और आचार्य की सेवा करनी चाहिए। यह प्रत्येक छात्र का कर्तव्य है कि वह अपने आचार्यों के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान का भाव रखें। As God sends rain on earth and peace in hearts of believers, similarly, a teacher showers good lessons in students' mind. Therefore, all should worship God and respect their teachers. अगला मंत्र सामवेद का 237वां मंत्र है। तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्रम विदद्वसुमिन्द्रम सबाध ऊतये बृहद्गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरम नकारिणम् तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्रम् सबाध ऊतये बृहद्गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरम नकारिणम् तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्रम् सबाध ऊतये बृहद्गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरम नकारिणम्। इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ, वह अर्थात तुम सब लोग सबाधः जब बाधाओं से आक्रांत हो जाओ, तब ऊतये रक्षा के लिए सुतसोमे जिसमें श्रद्धा और कर्म रूप सोम का निष्पादन किया गया हो, ऐसे अध्वरे हिंसा रहित जीवन यज्ञ में तरोभिः वेगों और बलों के साथ विदद्वसुम ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाले इंद्रम परमेश्वर के बृहत बहुत अधिक गायन्तः गीत गाओ। मैं भी भरम न कुटुंब का भरण पोषण करने वाले गृहपति के समान कारिणम कर्मशील उस परमेश्वर का हुए आवाहन करता हूँ। इसका भावार्थ यह हुआ कि जब जब मनुष्य अपने जीवन में विघ्न बाधाओं से पीड़ित होते हैं, तब तब उन्हें परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए। स्मरण करने पर वह उन्हें पुरुषार्थ में और कर्म योग में प्रवृत्त करते हैं। जैसे कोई गृहपति कर्मपरायण होकर ही कुटुंब के भरण पोषण में समर्थ होता है, वैसे ही परमेश्वर भी कर्मपरायण होकर ही विश्व को धारण करते हैं और सब उपासकों को भी कर्मयोग में प्रेरित करते हैं। Whenever any person is distraught, they should pray to God, then he gives guidance and strength. As the elder of family works towards upkeep of family, similarly God works towards upkeep of all creatures. अगला मंत्र सामवेद का 212वां मंत्र है। इमेत इंद्रसोमाः सुतासो ये च सोत्वाः तेषां मत्स्व प्रभुवसो।
इमेत इंद्र, इमेत इंद्र, सोमाह, सोमाह, सुतासो ये च सोत्वाह, सुतासो ये च सोत्वाह, तेषां मत्स्व प्रभुवसो, तेषां मत्स्व प्रभुवसो, इमेत इंद्र, सोमाह, सुतासो ये च सोत्वाह, तेषां मत्स्व प्रभुवसो। इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ कि हे इंद्र, हे परमात्मन, ते आपके लिए इमे ये वर्तमान काल में प्रस्तुत सोमाह हमारे मैत्री रस हैं, ये जो सुतासह भूतकाल में भी निष्पादित हो चुके हैं, सोत्वाह च और भविष्य में भी निष्पादित होते रहेंगे। प्रभुवसो प्रचुर रूप से हमारे अंदर सद्गुणों के बसाने वाले परमात्मा, आप तेषाम उनसे मत्स्व प्रमुदित हों। इसका भावार्थ यह हुआ कि सबको चाहिए कि उपासकों के मन में सद्गुणों को बसाने वाले दिव्य धन के स्वामी परमेश्वर को सब कालों में मैत्री रस से सिक्त करें और अपने आत्मा को ज्ञान रसों, कर्म रसों और श्रद्धा रसों से तृप्त करें, अर्थात ईश्वर के प्रति मैत्री भाव व्यक्त करें और स्वयं के उत्थान के लिए ज्ञान, कर्म और श्रद्धा से अपने आप को तृप्त करें। ऑल बिलीवर्स शुड कंटिन्यू टू प्लेस देयर फेथ एंड ट्रस्ट इन वर्शिप ऑफ गॉड सो दैट आत्मा इज गाइडेड टुवर्ड्स राइट पाथ विद फेथ ऑफ गॉड। अविश्वास से क्या नुकसान है पुंडरीक? सर, अविश्वास करने से खुशियां खत्म होती हैं और बेवजह इल्जाम लगाने से मनमुटाव बढ़ता है। हाँ, शक का तो कोई इलाज नहीं, एक बार मन में अविश्वास घर कर जाए तो पहले जैसी दोस्ती नहीं रहती। टेल मी वेंकटेश, हाउ कैन वन इंक्रीज ट्रस्ट अमंग पीपल? सर, ट्रस्ट इंक्रीजेस व्हेन वी फोकस ऑन द गुड क्वालिटीज एंड गुड डीड्स ऑफ एनी पर्सन। By reciprocating the good intentions, we build an atmosphere of trust and generosity. Yes, only trust and faith enable us to learn and believe. If someone does not have faith in teacher or does not believe in God, then he will not be able to receive the lessons, nor will he be able to get strength from God. Shraddha na ho, to manushya Bhagwan dwara di gayi shakti ko mehsoos nahi kar pata. यदि वह अपने गुरुजन और बड़ों पर विश्वास नहीं रखता हो तो उनसे कुछ सीख भी नहीं पाता। अंत में तो हम सब मनुष्य ही हैं जिनमें लोभ, मोह, स्वार्थ इत्यादि कमजोरियां हो सकती हैं, जिन्हें तभी सुधारा जा सकता है जब सही व्यक्ति मार्गदर्शन देने वाला हो और हम उस पर विश्वास करें और उसकी बातों को माने। अगर व्यक्ति किसी पर भी निष्ठा नहीं रखेगा तो कोई भी उसे समझा नहीं पाएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आयुष्मंतौ भव। अभितवा वृषभा सूते सुतां सृजामि पीतये त्रिम्बा व्यष्णु हीमदं तरोभिरवो विदधव सुमिन्दरां सवाध ऊतये बृहद गायन्तः सुत सोमे अधव रे हुवे भौरन्नो कारिणम् इमे त इन्द्र सोमा सुतासो ये च सोत्वाहो तेषां मत्स्व प्रभुवसो। कार्यक्रम के अमरवाणी खंड में अभी आपने सुना विश्वास की नींव। कंपेयर थी अंजू पांडे, निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव, कार्यक्रम सहायक थे जतिन मीणा। हमारे कार्यक्रम प्रसार भारती आर्काइव के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है archives@prasarbharti.gov.in।